Hello student, today we will study, we will learn the chapter 4, okay, linear equation number 2 variables, part 3. Look at the example 6, page number 72. Draw the graph of equation x plus y is equal to 7, okay, x plus y is equal to 7, that is the 2 variable equation. हम उसको क्या करेंगे ना, उसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे. ओके, तो हाउ विल ड्रॉ द ग्राफ, ओके, वी विल स्टडी नाउ. ओके, टू ड्रॉ द ग्राफ वी नीड एटलीस्ट टू सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन. ओके, अगर ये हमें ग्राफ करनी है तो उसमें एटलीस्ट कम से कम टू सॉल्यूशंस चाहिए. वी कैन चेक दैट x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू सेवन, x इज इक्वल टू सेवन, y इज इक्वल जीरो, द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. इस हिसाब से हम उसको निकाल सकते हैं. तो हाउ विल वी ड्रॉ द ग्राफ, ओके, ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन, आई विल टीच यू. ओके, here the equation is x plus y is equal to 7. At first taking x is equal to 0, यानी आप अपने मन से आपको x is equal to 0 लेना है. 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, अपने हिसाब से आपको लेना है. तो मैंने यहाँ पे x is equal to 0 लिया है, अरे I took the value of x is equal to 0, then x plus 0 plus y is equal to 7, x plus y is equal to 7 आया, तो that means हमने x के जगह पर अपने 0 लिया. So that means 0 plus y is equal to 7. Okay, therefore y is equal to 7 minus 0. Aapka jo side change hua, to 7 minus 0 is equal to 7. Okay, that is the first. Then taking y is equal to 0, ab hum y ko 0 le sakte hain. X plus 0 is equal to 7, yani y ke jagah par humne 0 substitute kiya, x plus 0 is equal to 7 aaya. Okay, to solutions kya hua, to x is equal to 7, x plus 0 is equal to 7, then x is equal to 7 minus 0 is equal to 7. Okay, here make the table x and y. X mein aapko 0 hua, to y mein 7, jo humne idhar solution kiya, x is equal to 0 and y humne find kiya 7, to 0, 7, then x is equal to 7, yahan pe humne y ko 0 liya aur x ko 7 liya, to 7, 0. Ab hume ye aapko two variable ka jo table hai wo hume mil gaya hai. तो अब हम उसको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट मिल गया है, तो कोऑर्डिनेट मिल गया तो हम उसको क्या करेंगे अभी ना, ग्राफ करेंगे. ओके, लुक एट द ग्राफ, देखो दिस इज आपका ग्राफ लाइन है और ये जीरो, ओके, यहाँ पे जीरो दिया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा किस तरह से आपको करते हैं. दैट इज आपको एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस. ओके, हियर आपको एक्स इज इक्वल टू जीरो, आपको एक्स इज इक्वल टू जीरो आया, एक्स एक्सिस में आपको जीरो है, देन वाई इज इक्वल टू आपका सेवन आया. देखो वाई इज इक्वल टू सेवन, यहाँ पे आपको वाई एक्सिस में आपको जो सेवन आया इसमें पॉइंट डाल देना है, ठीक है. देन आपको एक्स इज इक्वल टू सेवन आया, एक्स इज इक्वल टू सेवन एंड वाई इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो दैट मीन्स यहाँ आपको पॉइंट डाल देना है, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपको क्या करना है, जॉइंट कर देना है, ठीक है. दैट मीन्स ये हो गया आपका ग्राफ. ओके, द लुक एट द एग्जांपल 8, आप एग्जांपल 8 को फॉलो करो. फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन 4.5 सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो. देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन. तो ये जितने भी आपको दिया हुआ है इनमें कौन सा जो चीज़ है जैसे इस ग्राफ को सूटेबल कर सकता है, यानी वाई इज इक्वल टू टू एक्स, वाई एक्सिस में, यानी वाई में आपको जो रहेगा वो एक्स का डबल होगा. दैट मीन्स देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि वाई में देखो आपको टू है और एक्स में आपको वन है. अगर ये वन अगर लेंगे तो वन का डबल करेंगे तो आपको वाई का आपका टू आ जाएगा, ये वाला करेक्ट होगा. फिर यहाँ पे देखो वाई आपका जीरो है और यहाँ पे एक्स में जीरो है,
अगर दिया आपको y का वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 2 का अगर दिया x को डबल करोगे 2000 ही होगा, तो दैट मीन्स ये भी करेक्ट होगा। और यहाँ पे देखो -1 और -2 दिया है, अगर y इज इक्वल टू -2 है और x इज इक्वल टू -1 दैट मीन डबल यानी 2 × -1 इज इक्वल टू -2 होता है। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ए का जो ऑप्शन है ये सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका पूरा करेक्ट होता है, तो ये इसमें आपको टिक लगानी है। उसी तरह आपको ये भी चेक करना है, जैसे थर्ड का देखो 2x + 4 इज इक्वल टू वाई है, तो इस इक्वेशन में आपको देख सकते हो बी में, ठीक है। जैसे 1x है एंड ये 6 है, ओके, तो यहाँ पे एक एक्स 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 जो है आपका 1 आया एंड वाई जो है आपका 6 है। इस सॉल्यूशन का आप कर सकते हो, एक्स के जगह पर 1 ले लो, 2 × 1 = 2, 2 + 4 इज इक्वल टू 6 एंड वाई इज इक्वल टू 6 आया। ठीक उसी तरह एक्स को अगर दिया आप 0 ले लोगे तो 2 × 0 = 0, 0 + 4 इज इक्वल टू का 4 आएगा, ठीक है। देन आपको अगर दी एक्स इज इक्वल टू -2 लो, ओके, देन 2 − 2 = −4, −4 + 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपको y का 0 आ गया। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन आपका करना है, ओके। इन योर नोटबुक यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज सम्स इन योर नोटबुक, ओके। नाउ we will do the exercise 4. Question number 1, draw the graph of each of the following linear equation in 2 variable. Option 1 is x + y = 4. So how will we draw the graph of the equation x + y = 4? Look at. So graph is, the equation is x + y = 4. Then y is equal to, okay, y is equal to 4 − x. जो x है ना इस साइड पे आ जाएगा, ओके, टेकिंग x इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे x के जगह पर आपको 0 ले लो, देन x + y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x के जगह पर आपने 0 लिया, तो दैट मीन्स 0 + y इज इक्वल टू 4, ओके, देन y इज इक्वल टू 4 − 0 इज इक्वल टू 4 हुआ, ओके। देन x इक्वल टू 1, ओके, टेकिंग x इज इक्वल टू 1, देन 1 + y इज इक्वल टू 4, यानी x के जगह पर हमने 1 लिया, तो 1 + y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 − 1 इज इक्वल टू 3, देन टेकिंग x इज इक्वल टू 2, देन 2 + y इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 4 − 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आपको साइड चेंज हुआ तो आपको साइन चेंज हुआ, 4 − 2 इज इक्वल टू 2, ओके। तो ये था आपका इक्वेशन, आपको सॉल्यूशन मिल गया है, ओके। देन वी विल मेक द टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ एक्स एंड वाई, ओके। सो फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू 0, ओके, एक्स इक्वल टू 0, देन वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 4, देन सेकेंड में एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 3, ओके, एंड थर्ड सॉल्यूशन में एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2, then we will draw the graph. So आपको तो graph तो सबको पता आता ही होगा बनाना, जिसमें आपको graph में बनाओगे ये graph paper में आपको draw करना है, this is the plain paper हमने किया है, लेकिन आपको you have to draw the graph in your graph paper. This is आपको x axis, आपको इधर x axis लिखना है, okay, and this is आपका y axis, okay, आपको ये y axis में रखना है, okay. ओके, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके, तो एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आपको पॉइंट देना है। देन एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे भी पॉइंट देना है। देन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आपको पॉइंट देना है। तो ये
एंड ये तीनों पॉइंट को आपको ज्वाइंट कर देना है और ज्वाइन करके इस तरह से आपको लाइन खींच लेना है. ओके दैट इज ए एंड बी. एफ बी इज द लाइन. तो आपको ये सारे जो कोऑर्डिनेट आया उसको ज्वाइंट कर देना है. ओके इस तरह से आपको ड्रॉ बार जो ग्राफ है वो आपको ड्रॉ करना है. ओके दिस ग्राफ इज ड्रॉन ओके बाय दिस मेथड. ये जो ग्राफ है इस तरह से आपको ड्रॉ करना है. ठीक है. इन क्वेश्चन नंबर टू ओके द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन 2 and 14. दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 14. एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 14. ओके तो हाउ मेनी इक्वेशंस आर मेट. आप यहाँ पे कितने इक्वेशन बना सकते हो तो बनाने के लिए आपको बोला गया है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 2 आया तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16 हो सकता है. एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 14 यानी 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 16. सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दैट इज वन इक्वेशन. एंड सेकेंड इक्वेशन आप ऐसे ही बने 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. कैसे हाउ न 7x 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 एंड वाई इज इक्वल टू 14. तो यानी 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0 यानी 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से आपको ये इक्वेशन बना सकते हो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. इफ द पॉइंट 3, 4 यानी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 लाइज इन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू 0x प्लस 7 है. ओके दैट मीन्स 3y इज इक्वल टू 0x प्लस 7. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. ये भी 0 नहीं है, ये ax है. 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. आपको a आपको फाइंड करना है. दिस इज द इक्वेशन. आपको ये इक्वेशन है. आप इस तरह से आपको a का वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है. हाउ विल फाइंड. लुक एट हियर द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7. आप ये जो लाइन में आपको दिया हुआ है 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7. ओके दैट मीन्स यहाँ पे x जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 लाइज इन द लाइन. ओके देन वी हैव x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4. ये सबको पता है. तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4. पुटिंग दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन. अब ये जो इक्वेशन आपको दिया है ये आपको इधर आपको पुट करनी है. ठीक है. यहाँ पे 3y दैट मीन्स 3 इंटू 4 कर लिया इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 दैट मीन्स ए इंटू 3. ए एक्स दैट मीन्स ए इंटू 3 प्लस 7. यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू 3 लिया है तो दैट मीन्स ए इंटू 3 प्लस 7 है. ओके देन 3 फोर जा 12 आ गया. देन 3 इंटू ए इज इक्वल 3 ए प्लस 7. 3 ए इज इक्वल टू 12 माइनस 7. ओके यहाँ पे अगर आपको 7 को इस साइड में लेके आ जाते हो साइन चेंज कर देते हो तो माइनस हो जाता है. तो 3 ए इज इक्वल टू 12 माइनस 7. ओके 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 दैट मीन्स 3 ए इज इक्वल टू 5 आया. देयरफॉर ए इज इक्वल टू आपको ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. ए इज इक्वल टू 5/3. ओके नेक्स्ट दस द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 5/3. ओके तो दैट मीन्स आपको रिक्वायर्ड जो वैल्यू आपको चाहिए था वो आपको 5/3 यानी ए का वैल्यू आपको 5/3. ओके द वैल्यू ऑफ ए वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चंस. ओके तो इस तरह से आपको ए का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो. ठीक है. देन क्वेश्चन 4. हियर टोटल डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर. ओके द टोटल टैक्सी फेयर इज इक्वल टू y रुपीस. ओके एंड फेयर फॉर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 रुपीस. ओके आपको ये दिया हुआ है. ठीक है. एट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चंस. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer,
ओके द फेयर इज 8 रुपीज़। ओके एक टैक्सी फेयर जो होती है, टैक्सी का जो भाड़ा है सिटी में, ओके यहाँ पे आपको लिखा है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, अगर कहीं आपको जाना है तो टैक्सी में, तो पहला यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 8 रुपीज़ चार्ज लगाता है। एंड फॉर द फेयर एज 5 रुपीज़, फिर उसके बाद आपको जो फेयर होती है, टोटल फेयर जो होती है वह 5 रुपीज़ है। ओके एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर मैंने फर्स्ट किलोमीटर आपको 8 रुपीज़ लेगा एंड उसके बाद आपको बाकी जो किलोमीटर रहेगा वो पर किलोमीटर का 5 रुपीज़ लेगा। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, आपको डिस्टेंस कवर्ड का x किलोमीटर लेनी है एंड टोटल फेयर आपको y लेनी है। राइट लीनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट ग्राफ। तो आपको समझ में आ गया कि एक सिटी में आपको जो टैक्सी फेयर होती है फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़, पहला किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज़ होगा, फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के बाद बाकी जितना किलोमीटर आप जाओगे उसमें पर किलोमीटर का 5 रुपीज़ लगता है। ठीक है, अब आपको इक्वेशन जब सॉल्व करोगे, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एक्स एंड टोटल फेयर इज इक्वल टू वाई। ओके राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, इसमें लिए वी विल राइट द लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ओके आई विल मेक हियर टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर एंड टोटल टैक्सी फेयर इज इक्वल टू वाई रुपीज। ओके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हमने ये लिया, फेयर फॉर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 रुपीज़। ओके इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, रिमेनिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज़ आया, तो उसके बाद यानी पहला किलोमीटर के बाद बाकी जितना है, टोटल आपका x किलोमीटर हमने लिया है, टोटल आपका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो x लिया है, लेकिन फर्स्ट किलोमीटर हम उसको माइनस कर देते हैं क्योंकि 1 किलोमीटर का आपका 8 रुपीज़ अलग से लिया गया है, इसलिए हम 1 किलोमीटर इधर माइनस कर देंगे। ठीक है, देन फेयर फॉर एक्स माइनस वन, ये जो एक्स माइनस वन यानी 1 माइनस करने के बाद जो आपको रेस्ट बचेगा इज इक्वल टू उसके बाद 5 रुपीज़ इंटू एक्स माइनस वन, यानी पर किलोमीटर का 5 रुपीज़ आता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे रेस्ट ऑफ डिस्टेंस जितना है उतना मल्टीप्लाई बाई 5 है। ठीक है, देन टोटल टैक्सी फेयर, आपको टोटल टैक्सी फेयर हमें फाइंड करनी है, कैसे ना फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज़ लिया है और रिमेनिंग डिस्टेंस जितना है उसका फेयर आपको प्लस कर देना है, यानी 8 रुपीज़ प्लस ₹5 इंटू एक्स माइनस वन। ओके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 एक्स माइनस वन, बिकॉज ओके हमने आप क्वेश्चन के अनुसार हमने इधर लिया है कि आपको टोटल टैक्सी फेयर होता है आपको ₹5, और हमने इधर आपको टोटल टैक्सी फेयर हमने इक्वेशन निकाल दिया है, तो दैट मीन्स यहाँ पे y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस वन, देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 को x में मल्टीप्लाई करो, 5x आया एंड 5 ये प्लस माइनस माइनस एंड 5 वन जर 5, दैट मीन्स 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 आपको कर दो, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 आया, दैट मीन्स 5x ओके प्लस 3, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ओके देन आपको हमें वैल्यू आपको लेनी है, देन टेकिंग x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू, अब अगर हमने x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू हमने फाइंड करना है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, दैट मीन्स 5 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू आपको 3 आया, देन टेकिंग x इज इक्वल टू माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 1 प्लस 3, 5 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। ओके देन टेकिंग x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। ओके x के जगह पर हमने 2 लिया, देन y इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 3, देन माइनस 10 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7, तो ये हमने 3 सॉल्यूशंस निकाल दिया। ओके देन x और y हमने टेबल बनाते हैं, विल मेक द टेबल x एंड y,
x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू थ्री, ओके जो ना हमने निकाला, ओके यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो देन y इज इक्वल टू आपका थ्री है, देन x इज इक्वल टू माइनस वन एंड y इज इक्वल टू माइनस टू, ओके लुक एट द टेबल केयरफुली, x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू थ्री, x इज इक्वल टू माइनस वन एंड y इज इक्वल टू माइनस टू, देन x इज इक्वल टू माइनस टू एंड y इज इक्वल टू माइनस सेवन, ओके नाउ प्लॉटिंग द ऑर्डर्ड पेयर्स, ओके जीरो थ्री, x इज इक्वल जीरो, y इज इक्वल थ्री, x इज इक्वल माइनस वन माइनस टू एंड माइनस टू माइनस सेवन, देन ड्रॉ द ग्राफ, ओके फर्स्ट दैट इज आपको x एक्सिस एंड दैट इज y एक्सिस, ओके तो आपको इधर आपको x एक्सिस लेना है और यहाँ पे आपको y एक्सिस ले लेना है, ओके देन दिस इज जीरो, ओके फिर आपको स्टार्ट करनी है फर्स्ट टेबल x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू थ्री, ओके देन इस तरह से हमने प्लॉटिंग कर दिया, ओके ये जीरो थ्री माइनस वन माइनस टू एंड माइनस टू माइनस सेवन, ओके इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया।